हेलो एवरीवन दोस्तों दोस्तों 2022 फीफा वर्ल्ड कप के लिए 20,000 वॉलंटियर की आवश्यकता है। जैसा कि यहाँ पे सुप्रीम कमिटी फॉर डिलीवरी एंड लीगेसी की तरफ से ये बताया गया है कि यहाँ पे 20,000 वॉलंटियर के लिए आवश्यकता है, यानी स्वयंसेवक के लिए आवश्यकता है। अगर आप काम करना चाहते हैं वहाँ पर, तो आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कुछ करना है आपको, सब कुछ डिटेल से बताया जाएगा। आप वीडियो को बिना स्किप करके लास्ट तक देखना है ताकि आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो अगर आप चैनल में नए आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको ले चलता अपने मोबाइल की स्क्रीन में। तो आपको सबसे पहले अपना जो भी गूगल क्रोम जो भी आप यूज करते हैं वहाँ पर आपको लिखना है फीफा वर्ल्ड कप 2021-22 वॉलंटियर। जैसे आप यहाँ पे ऐसे सर्च करेंगे तो एक इस तरह का इंटरफेस खुल गया आ जाएगा, जहाँ की वॉलंटियर रजिस्टर CUIN 2021 सबसे टॉप में है, इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करते तो यहाँ पे फिर एक दूसरा इंटरफेस खुल गया आ जाएगा। यहाँ पे आप सब कुछ, यहाँ पे जो भी गाइडलाइन है ये सब आप पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है जो भी आर्टिकल है ये सब आप सही से आप एक बार पढ़ लें, उसके बाद आप यहाँ पे काम करेंगे तो और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सब स्टेप दिखाए गए, आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये सब स्टेप आपको फॉलो करना है। इसमें आपको जो भी है आपसे इंटरव्यू किया जाएगा। जैसे आप रजिस्टर हो जाते हैं तो आपको इसमें बाद में आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा। जो भी अपना ईमेल आईडी जो भी है आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। कैसे फिल करना है ये सब मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे नीचे जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया है इसको इसके अंदर ही रह के आपको काम करना है। जैसे यहाँ पे रजिस्टर है, यहाँ पे आप क्लिक करें। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते तो यहाँ पे एक और एक फार्म, जैसे कैसे भरते हैं उसके लिए एक फार्म खुल जाता है। जैसे आपका यहाँ पे जो भी कतर आईडी है या आपके पासपोर्ट है, यहाँ पे रियल नाम आपको यहाँ पे फिल करना है, ऐसा कोई फैक्ट नेम फिल नहीं करना है। जैसे मैं एक कर रहा हूँ, ओके। उसके बाद आपको जेंडर चूज़ करना है, आप मेल है फीमेल है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, मैं थोड़ा चेक कर रहा हूँ, ओके। मैं जैसे यहाँ पे चूज़ करते, उसके बाद नेशनलिटी, आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, या आप जो भी है इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहाँ से आप वहाँ पे एक कंट्री को सेलेक्ट कर लिए। जैसे आप जौन सी कंट्री से वही उसी को सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं नेपाल से हूँ तो मैं नेपाल को सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्री ऑफ रेसिडेंसी, आप कहाँ पे रहते हैं अभी, उसको भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे फिल करना है। आप सही से देखें ताकि आपको आसान हो जाए काम करने में, कोई ऐसा परेशानी नहीं हो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। ओके, ये सब होने के बाद एक आपका जो भी ईमेल आईडी है यहाँ पे डाल देना है। ओके, जैसे आप यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, मैं ये प्राइवेसी के लिए कुछ इसको ब्लर कर देता हूँ।
और उसके बाद दोबारा से आपको कंफर्म ईमेल डालना है। ओके, ऐसे होने के बाद आपको यहाँ पे एक आप पासपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आप पासपोर्ट रखना चाहें तो आप यहाँ पे एक आप अपना एक पासपोर्ट बना लीजिए। ओके, उसके बाद दोबारा आप पासपोर्ट डालें जो अभी आपने डाला है। ओके, ये सब होने के बाद अभी आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट, जो भी आपका आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट करें। कतर आईडी है या पासपोर्ट है, आप किससे करना चाहते हैं? जैसे आप मैं कतर में रहता तो मैं कतर आईडी को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे कतर आईडी डाल लेना है। ओके, तो उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर जो भी कतर आईडी है उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे आप डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपको एक्सपायरी डेट भी डाल लेना है, जो भी आईडी का आपका एक्सपायरी डेट है वो भी यहाँ पे फिल करें। ओके, ये सब होने के बाद आपको यहाँ पे ये सब में टिक लगा देना है, जैसे इसमें इसमें। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे अभी सबमिट हो रहा है। ओके, तो गाइज यहाँ पे सबमिट हो गया है। जो जैसे कि यहाँ पे एक सुप्रीम कमेटी फॉर डिलीवरी एंड लीगेसी की तरफ से कुछ मेल आया है, जो यहाँ पे अभी जो आपने, तो गाइस यहाँ पे मैं जो भी अपना कंफर्म ईमेल कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने कंफर्म ईमेल कर दिया है, तो अब यहाँ पे मैं अपना जो भी आईडी वो है उसको यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ फिर। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली हो गया मेरा, यहाँ पे वेरीफाई हो गया। फर्स्ट नेम जो भी मेरा डिटेल है वो यहाँ सब वेरीफाई हो गया है। तो यहाँ पे इसी तरह आप भी जो भी है, आप अगर कतर वैलेंटाइन में काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा कुछ हर चीज़ का फैसिलिटी मिलेगा आपको वहाँ पे। इसको जनवरी से पहले पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। तो गाइज इसी तरह आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, फुल आप डिटेल में देख सकते हैं, वेलकम टू द वैलेंटाइन पोर्टल। तो यहाँ पे इसी तरह आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं करना तो। और आपको और किसी किसी चीज़ का भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में जाके और कमेंट करें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आप तक बना के लेके आता रहता। थैंक यू मच।